तो प्रश्न ये है कि कबंध राक्षस को किसने किसने श्राप दिया था? शीतल माता जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने कबंध राक्षस को श्राप दिया था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कबंध जो राक्षस था वो पिछले जन्म में क्या था? पिछले जन्म में कबंध राक्षस जो था वो क्या था, कौन बता सकते हैं? कबंध राक्षस पिछले जन्म में क्या था? तो कबंध, तो कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि धनु नाम का बंदर था, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि विश्व वसु का पुत्र था। तो इस तरह से कविता माता जी आप यही कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। कर रहा, आप नीचे कर लीजिए कविता माता जी। मैं फिर से अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, शबरी ने भगवान राम को कौन से सरोवर के पास जाने के लिए कहा और किससे मिलने के लिए कहा? शबरी ने भगवान राम को कौन से सरोवर के पास जाने के लिए कहा और किससे मिलने के लिए? और कोई बाकी भक्तों को नहीं याद है? ज्योति ज्ञानी माता जी, आप तो गुड स्टूडेंट हो, आचार्य माता जी जो अच्छे आंसर देना चाहिए बस। ठीक है, ऋतु माता जी बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पंपा नामक सरोवर के पास जाने के लिए कहा और सुग्रीव से मिलने के लिए कहा। पंपा सरोवर इसके पास जाने के लिए कहा और सुग्रीव से मिलने के लिए कहा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है मेरा, जो नवधा भक्ति भगवान राम ने शबरी को बताई उस नवधा भक्ति में पहली भक्ति क्या थी? क्या थी जो नवधा भक्ति सुशीला माता जी? यस माता जी बताइए। सुशीला माता जी, नवधा भक्ति में पहली भक्ति? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी संतों की संग करना, संतों का संग करना। अच्छा, किसी ने नोट किया है इसको? सारे नौ किसी ने नोट किए? कौन बता सकता है सारे नौ आपने नोट किए यस हैं अगर प्रभु तो जी। बता सकते हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। आई हैव आशा, नोटेड प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। यस माता जी फर्स्ट वन बताइए। इज आशा संतों का। रे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ फर्स्ट इज संतों का हाँ माता जी सत्संग। हिंदी में ही बताइए क्योंकि सारे भक्तों का रिवाइज हो जाएगा, हिंदी में बताएंगे तो आप प्रभु जी पहली भक्ति है बोलिए। संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है हाँ कथा प्रसंग में प्रेम, और तीसरी भक्ति है हाँ कथा अभिमान में छोड़कर रति। गुरु की शरण। हाँ, हाँ एक मिनट, और धीरे धीरे बताइए, तीसरी एक भक्ति बताइए, है एक मिनट, धीरे धीरे बताइए। पहले पहली भक्ति है, दूसरी है ना, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओके प्रभु जी। बताइए। पहली भक्ति संतों का सत्संग, दूसरी हाँ भक्ति है कथा प्रसंग में रति,
तीसरी भक्ति है अभिमान छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, और पांचवी भक्ति है वेदों का ज्ञान लेना, और छठी भक्ति है इंद्रियों पर कंट्रोल करना और अच्छे कार्य करना, वैराग्य लेना, और सातवीं है सबको संभव नहीं, में पांचवी देखना। भक्ति, पांचवी भक्ति है मंत्र जाप, जो कि सारे मंत्र जाप, वेद, जिसको कि सारे मंत्र जाप, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मर मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब वेद इत्यादि ये कहते हैं कि जिसमें मेरा नाम हो, ऐसा जो मंत्र है, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब भगवान के नाम का जो भी मंत्र है, मेरे राम नाम के मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। यस माता, अगला बताए। छठी है इंद्रियों का निग्रह, यानी कि अच्छे आचरण करना, चरित्र अच्छा रहना और वैराग्य लेना, और निरंतर रहने पुरुषों के धर्म में लगे रहना, और सातवीं भक्ति है सबको संभाव में देखना, और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष तो छठवीं भक्ति में रखना। बहुत कुछ बता दिया भगवान ने ना। सातवीं भक्ति, सम मोहि मैं जग देखा, मतलब सबको समान देखना। चलो चलो ऊपर चलो, सबको समान देखना ये है। और सातवीं भक्ति मतलब ये है, सातवीं भक्ति है जगत भर में समभाव से मुझ में उत्तरोत्तर देखना और संतों को मुझसे भी अधिक सेवा करना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी और पराए दोषों को ना देखना। हाँ, तो ये जो है नवम, आठवीं यथा लाभ भक्ति संतोष सपने नहीं देखें परदोषा। और नवमा, नौवीं भक्ति है सरल सरलता, सब सन छल ही ना। हाँ, सरलता नवी भक्ति है जिसमें कि सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, ये नवी भक्ति है। हृदय में मेरा भरोसा रखना, जैसे लोग कपट कर देते तो हमको उनके साथ कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको ये समझना चाहिए भगवान हमको देंगे। और वास्तव में ये होता है कि जब जो कोई व्यक्ति कपट करके रखता है, उसके मन में आप देखेंगे कि बहुत ही अशांतता बहुत रहती है, और क्योंकि वो उस तरह से सबसे बर्ताव करता है, कुछ दिन बाद कट जाता है। और जो व्यक्ति कपट नहीं करता वो बड़ा शांत रहता है। तो ये बहुत, थैंक यू वेरी मच माता जी, आचार्य माता जी, आपने बताया भक्ति, हरे कृष्णा दंड। तो इसको फिर से हमको रिवाइज करना। दंड प्रणाम माता जी, थैंक यू। तो नवी भक्ति बताई, नवम सरल सब सन छल ही ना, सबके साथ कपट का बर्ताव नहीं करना और मम भरोस ही है हर्ष न दीना। हरे नौवीं कृष्ण प्रभु दंड वंदना। भक्ति, प्रभु जी नौवीं भक्ति फिर से बताना जरा, नौवीं भक्ति। हरे कृष्णा, हरे राहु कृष्ण बहुत। प्रभु दंड वंदना, नौवीं हाँ भक्ति बता, नौवीं मेरे हाँ को बता रहा हूँ, सुनाइए। बता अच्छा रहा अच्छा, नौवीं भक्ति में बता रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, ये नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जल्दी पहुँच नहीं पाया घर पे, इस वजह से ये मैं
लेकिन ये जो अवसर है ये हमको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुख में हम यहाँ पर कष्ट की वैरायटी बस बदलती है, होता है नहीं, नहीं तो हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कल से आवाज नहीं आ रही। अच्छा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। एक प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी कर। अच्छा हरे कृष्णा, अभी अभी आ रही है, अभी क्लियर है आवाज? हरे जी कृष्णा, प्रभु, जी प्रभु जी, अभी भी क्लियर है? अभी भी क्लियर है? अभी जी प्रभु जी, क्लियर है ना? ये एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू है, बीच में कभी आवाज रहेगी कभी नहीं रहेगी। अभी यहाँ पे थोड़ा कोहरा इत्यादि हो गया है, तो बहुत मतलब नेटवर्क थोड़ा कम है, तो हम बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं जो प्रभु जी चला रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस नवधा भक्ति को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आप म्यूट करके रखिएगा। नवम सरल सब छल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। चलो ये कब जैसा शीशा बंद है ना, तो हाफ बंद रहा है। है? अच्छा, हीटर चला दिया। एनीहाउ, तो पूछ लीजिए, चाहे तो ऐसे हाथवा से पूछ लीजिए। तो नवी जो भक्ति है वो है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। तो हर्ष विषाद का न होना का मतलब है कि बहुत अधिक हर्षित भी नहीं होना और बहुत अधिक दुखी भी नहीं होना, क्योंकि ये संसार के स्वभाव को समझना चाहिए। एक तरह से हम शास्त्रों की बातों पर विश्वास करते हुए, हमको नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना। कपट रहित व्यवहार करने का मतलब यही है कि कोई अगर कहता है कि हमारे पास मेरे पास 10 गाड़ी है, तो आप कह दो हाँ ठीक है सही बात, आपने कहा 10 गाड़ी होगी आपके पास 10 गाड़ी। तो इस तरह से जो है कोई कह दे तो विश्वास, इसे सरल कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान जो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मुझे कपट छल छिद्र वाले लोग पसंद नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरष नदी। लेकिन आप कहेंगे कि प्रभु जी अगर इस तरह से करेंगे सब लोग तो मेरे साथ कपट करेंगे, फिर कैसे होगा? लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भूखे नंगे होते देखा है, मैं सच बता रहा हूँ। कपट जो भी करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भिक्षा मांगते ही रहते देखा है, और मैंने ऐसा देखा, ऐसे लोगों को भी देखा जो दान किया करते रहता, फिर भी वो बड़े, उनका जो कार्य हुआ वो राजा के जैसे ही हुआ सब कुछ। वो इसीलिए धन होना और लक्ष्मी होना, इन दोनों में अंतर, जिनके पास लक्ष्मी होती है वो खुशहाल रहते हैं। मैंने देखा है कि ऐसा तो नहीं होता कि समस्याएं उनके पास नहीं आती, पर उनको हमेशा रोते नहीं रहते हैं, हमेशा रोते नहीं रहते, और वो अमीरों के जैसा होता है।
एकदम छोटे से मतलब लो 20 लाख का कोई गहना खरीद के तो कहते हैं कि चलो गिफ्ट दे दिया चल गया। लेकिन फिर कहीं अगर किसी को कुछ देने की बात आ गई तो मैंने इसमें 400 रुपए ऐसे थे ना, तो 100 रुपए इधर हुए ना, तो 50 रुपए बचे। इस तरह से झगड़ा करते हैं जैसे कि मात्र 500 रुपए 400 रुपए। एक हफ्ते में लगभग 2 करोड़ प्रॉफिट मार्जिन और विषाद का नाम। हर शब्द विषाद बहुत ज्यादा नहीं हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु होती है या फिर घर में कोई बर्थडे है तो आप खुश नहीं होते, हंसते नहीं, या फिर किसी की मृत्यु हो जाए तो रोए ना, दुख ना प्रकट करें, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अपने कर्तव्यों से किसी भी सिचुएशन में आप च्युत नहीं होते, गिरते नहीं। जैसे कि अर्जुन को अभिमन्यु के युद्ध में जब वध हो गया तो भगवद गीता सुनने के बाद भी अर्जुन को दुख हुआ। मुझसे पूछा कि प्रभु जी अर्जुन को तब भी दुख हुआ जब भाई भगवद गीता सुन ली थी तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्त होता है या भगवान का भक्त होता है उसको कुछ दुख दर्द होता है तो वो रोता नहीं है और बिल्कुल ना किसी भी जगह पे खुश होता, अगर खुशी की बात होती तो हंसता नहीं, इस तरह का नहीं होता। उसको होता है हर्ष, शोक होने का उसका एक्सप्रेशन तो होता है, हृदय में उसके ये जरूर रहता है कि ये विधि का विधान, संसार की यही रीत। तो इसलिए लेकिन ऐसा नहीं होता कि कहीं पे कोई डेथ हो गई तो गए रोए ही नहीं। आजकल विदाई नहीं होती है, तो विदाई होती है जब तो लड़कियां ग्लिसरीन लगा के रोती है क्योंकि उनको दुख ही नहीं होता रहता। वीडियो कॉल का जमाना आ गया है तो जो भी शादी हो रही है उसमें ज्यादातर लड़कियां रोती ही नहीं। जल्दी से लोग आजकल वंदे भारत चल रही है, 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, जितनी देर में तो आंसू पोंछेंगे उतनी देर में तो पहुंच जाएंगे घर, वंदे भारत चलाती है। तो इसीलिए हर्ष विषाद का नहीं होने का मतलब है अपनी कृष्ण भावनामृत को या फिर अपने भगवत चेतना से जो भी अपने जीवन के कर्तव्य हैं उनको उनसे गिरना नहीं, समय समय पर उसी चेतना से जिस समय जो कर्तव्य करना है उसको करना, अपने जैसे पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, बेटे का कर्तव्य, कुछ भी करते हुए हर्ष शोक होकर के ये नहीं कि अरे हम बहुत दुखी हो गए तो अब चलो हम अपने कर्तव्य नहीं कर रहे, खाना खाना तो नहीं भूलते हैं, इसलिए केवल अपने कर्तव्य ही भूल रहे हैं। तो ये जो है एक तरह का नाटक होता है, तो कर्तव्य व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, फिर 8वीं भक्ति कह रहे हैं यथा लाभ संतोषा, जैसे जो मिल जाए, मतलब हुक और क्रुक ज्यादा इस्तेमाल नहीं, जोड़ो नियंत्रण। जोड़ो नियंत्रण का मतलब कि सामान्य व्यवहार करके, जैसे मेरे एक काउंसलर हैं उन्होंने पूछा कि प्रभु जी एक जगह इन्वेस्टमेंट का एक आ रहा है उसमें शेयर्स में पैसे लगा देंगे तो वहां पर ये पैसे आ जाएंगे, इधर वहां पैसे लगा देंगे तो इस तरह से इतने पैसे आ जाएंगे, मन हमेशा उसी में चलता रहता है। तो मैंने उनको बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे गृहस्थ बने जो कि अपनी नौकरी करता है, नौकरी से लौटता है, जो उसको आमदनी हो जाती है उससे वो अपने परिवार का यथा उचित भरण पोषण कर लेता है, बस। अब इसमें बहुत ज्यादा शेयर्स में पैसे लगाए, हमेशा चेतना वही रहती है कितनी शेयर बढ़े कितने घटे, फिर भगवान में मन कहाँ रहेगा, कभी नहीं रहता है। एक
व्यक्ति को मैंने देखा, वो फार्म हाउस में कंपलसरी आर्मी से रिटायरमेंट लेकर के फार्म हाउस में रहने लगे। उनको आर्मी 30,000 रुपये देती थी, तो उनके बच्चे नहीं थे, पत्नी के साथ वो एक नैनो कार खरीद करके अपना रह रहे थे। पता नहीं कहाँ से बड़ी शांति से रह रहे थे, ये 99 के चक्कर में नहीं पड़े थे। ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि उनको किसी ने बता दिया ये शेयर्स मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। अब वो बेचारे हमेशा मोबाइल में खोल के रखते हैं, 400 रुपये आज कमा लिए, आज 200 ही कमा पाए, ओहो 750 का घाटा हो गया। इस तरह से मन हमेशा उसी में लगा रहता है और फिर भगवत चिंतन नहीं हो पाता जिसके लिए जीवन दिया था। एक बार कृष्ण और अर्जुन एक जगह से जा रहे थे रास्ते में, तो दो हस्बैंड वाइफ को देखा कि बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे बड़े खुशी खुशी जी रहे हैं ये लोग, कोई कलह नहीं हो रहा है, इतना कम कमाते हैं। 1 रुपया वो जो हस्बैंड था वो कमाता था, उसमें से कुछ अंश दान कर देता था और बाकी से अपने फ्यूचर के लिए रखता था। 25% दान कर देता था, 25% फ्यूचर के लिए रख लेता था, 25% में निर्वाह करता था और 25% में सारे जो परिवार कुटुंब वाले हैं उनको उस समय इतना जमाना था। तो एक स्वर्ण मुहर अगर किसी को मिल जाती थी, सोने की मुहर, तो एक स्वर्ण मुद्रा पर जीवन यापन हो जाता था। लेकिन कृष्ण अर्जुन ने कहा, कृष्ण से कहा कि ये बड़े शांति से रहते हैं, तो भगवान ने कहा क्योंकि ये 99 के चक्कर में नहीं पड़े अभी तक, इसीलिए ये लोग सुखी सुखी रह रहे हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक सुराही दी, उनके घर के पास रख दी, जिसमें उन्होंने 99 सिक्के डाले। अब वो जब व्यक्ति आया जो मजदूरी करता था, एक सिक्का कमाता था, जब एक आया तो देखा कि अरे इसमें तो 99 सिक्के है, तो सब्जी वगैरह जो भी घर के लिए चाहिए था वो खरीद के ला चुका था। तो फिर उसने कहा कि एक सिक्का कम पड़ रहा है, उसने जब गिना तो उसने सोचा कि कोई ऐसी नौकरी, क्योंकि एक तो हमारे खर्च के लिए चाहिए ही होता है, कोई ऐसी पार्ट टाइम और नौकरी कर ले जिसमें कि हमको थोड़ा और सिक्के मिल जाए, तो फिर ये 100 पूरा हो जाए। बस फिर ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया, बहुत मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। आया तो फिर घर में जब वो सिक्के को डाला, तो वो सिक्के को डाल करके उसने देखा कि 98 ही है। तो उसने बोला कि अरे, अपनी पत्नी से पूछा कि अरे इसमें तो 99 सिक्के थे, मैंने एक सिक्का और डाला है तो भी ये 99 ही सिक्के, 98 ही हो रहा है, ऐसा क्यों? तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्या बताएं, वो बड़ा मेरे से बड़ी बड़ी दिन से इच्छा हो रही थी, एक बनारसी साड़ी खरीदनी थी, एक थोड़ी महंगी साड़ी खरीदने का मन हो रहा था, तो मैंने वो खरीद लिया 3 सिक्के दे करके, तो इसलिए अभी आपने ये 2 सिक्के दे करके खरीद लिया, इसलिए अभी आपने डाला है 1 सिक्का, तो ये 98 ही हुआ है। तो उसने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन वो गया, उसने सोचा इसको पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे दिन और रात ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर वो ओवर टाइम ड्यूटी करने लगा। फिर राधा, जब भगवान और अर्जुन उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बड़े पसीने पसीने से तर होकर के वो शाम को लौटा और फिर भागा भागा फिर से चला गया। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कहा कि अरे ये बहुत दुखी हो गया क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब 99 के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि इस संसार में हमेशा एक सिक्का कम लगता, ये एक चीज मेरे पास नहीं है, बस वो ही एक चीज हमको दुख देती रहती है। हजारों सुख की चीजें होने के बावजूद भी इसको मैनेजमेंट फिलॉसफी में, जो हम लोग मतलब इंडस्ट्री में जब हमने मैनेजमेंट पढ़ा, जो लोग लीडर्स हैं टीम लीड्स और इन सब के लिए, तो मैं तो हमने ये पढ़ा, इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब, अगर किसी व्यक्ति के घर में टाइल्स लग रही है तो एक टाइल अगर नहीं लगी हुई है तो व्यक्ति का जो नजरें हैं वो वहीं जाती है, एक टाइल नहीं, सारी टाइलें हैं
इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइल नहीं है वही उसको दुख देता रहता है। तो ये जीवन में हमेशा ये चीज होती रहती है, सारा सुख होने के बावजूद भी फिर व्यक्ति को ये लगा रहता है अरे ये चीज नहीं है, ये एक चीज हो जाती। जैसे कि गाजर का ये संसार में एक 25 पैसा सर्कस के जैसे है, ये जो संसार एक जगह ये बोर्ड लगा हुआ था 25 पैसे का सर्कस, तो सारे लोग सोचे कि अरे ये कोई बहुत ही अच्छा सर्कस होगा, इतना जब 25 पैसे में सर्कस मिल रहा है, तो जो भी जाता बहुत खुश होकर के आता बाहर। पर अंदर क्या होता, अंदर जो भी जाता तो वो कहते कि चलो सर्कस दिखाओ, तो कहते सर्कस नहीं आप, पिटाई होती बहुत जबरदस्त बन, अंदर खूब पिटाई होती। लेकिन बाहर जाता तो वो सोचता कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इतने सस्ते वाले सर्कस में आ गया, तो इस शर्म के मारे कि भाई उसको जो है ये लोगों को ये ना लगे कि मेरा निर्णय गलत था, वो जो है अपने चीज को ढकता था और हंसता रहता था बाहर से। तो बाहर तो लोग जाते सोचते कि यहाँ पे बहुत मजा हो रहा है। तो ये संसार में इसी तरह से 25 पैसा सर्कस चलता रहता है। जैसे कि कोई गधा है, अगर मान लो कोई गधा है और उसके सर पे एक गाजर लाठी बांधकर एक गाजर बांध दिया जाता है, गाजर उसके सामने लटकता रहता है पर वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि जब गाजर पास आता है तो गधा, गधा जब आगे जाता है तो गाजर भी आगे चला जाता है। तो ये दुनिया में इसी तरह से गाजर कभी किसी को मिलता नहीं है, बस आगे जाता रहता है, जाता रहता है। तो फिर इसी चीज को यहाँ पर नवदा भक्ति में ये कह रहे हैं कि यथा लाभ संतोषा, ये 8वीं भक्ति है। तो ये श्रीमद् भागवत की जो भक्ति है उससे अलग है, श्रीमद् भागवत में जो भक्ति है उससे ये अलग है। श्रीमद् भागवत में कौन सी बताई गई है भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो भक्ति है इससे अलग ये भगवान राम ने स्वयं शबरी जी को बताया था कि 7। अब 8वीं भक्ति क्या है? यथा लाभ संतोष और सपने हो नहीं देखई पर दोष। सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखना, ये 7वीं भक्ति है। जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना। तो इसका एक और भी है, राममय जाना है ना, नहीं ऐसे करके है ना। हाँ ऐसे है शायद कि प्रेम ते प्रकट भय सब जाना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय सब जाना। तो ये 7वीं भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है, 7वीं भक्ति में क्या क्या चीजें आती हैं। मोहिमय जग देखा, एक तो भगवान मैं सारे जग को देखना, दूसरा मोते संत अधिक कर लेखा, साधु संतों को मुझसे भी अधिक समझना चाहिए, संतों को मुझ में भी मुझसे भी अधिक समझ करके मानना चाहिए। अब संत को कैसे पहचाने? सबसे मुख्य गुण संत का रहता है कि वो दोष नहीं देखता, यही सबसे मुख्य गुण है संत का। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी हमारे तो गुरु जी दोष बताते हैं, तो वो अपने शिष्य को किसी चीज से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ये दोष बता सकते हैं। दिस इज ओनली द प्रिविलेज ऑफ सन्स एंड डिसाइपल्स टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर फादर और स्पिरिचुअल मास्टर। तो जब कोई गुरु होता है वो अपने शिष्य को ये दोष बता सकता है, उस केस में उसको भले के लिए, और किसी को नहीं बताता है, केवल उस व्यक्ति को
उस जीव को जो कि उसका शिष्य है उसको बता सकता है। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, इसका कहते हैं कि ओनली हु कैन फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, केवल वो व्यक्ति जो कि अपने शिष्य से बहुत प्रेम करता है, उस शिष्य को गुरु बचाने के लिए कि वो सेफ रहे, माया से बचा रहे, इसके लिए वो इस सत्य को उद्घाटित कर देता है, तो वो उस समय दोष देख सकता है। लेकिन अदरवाइज हमको सपने में भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो फिर सातवां जो हो गया संतों का अधिक करना, छठवां क्या है, दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसमें कह रहे हैं कि छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पे संयम रखना और शील अच्छा स्वभाव अच्छा चरित्र रखना, तीसरा बहुत सारे कार्यों से वैराग्य कि बहुत सारा चीज कर रहे हैं। जैसे मैं एक बार ऐसे मैं कॉलेज में था, जब तो 8th क्लास की बात है, एट नहीं हाँ 12th हाँ 11th 10th की बात है, मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है, तो मैं फुटबॉल भी टीम का कैप्टन था और वॉलीबॉल टीम का भी कैप्टन था, चेस भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता था, बैडमिंटन भी खेलने लगा था, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा था मैं, और फिर मतलब सारी चीजों में मैं हाथ डाल के रखता था, है ना। नहीं बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं राम जी, ये बता रहे हैं कि छठ दमशील विरति बहुकर्मा, छठवीं भक्ति ये है कि एक तो दमन करना, इंद्रियों को दमन करना, दमन करने का मतलब जो भगवान की चेतना के भगवान की इच्छा के विरुद्ध है उनको इंद्रियों को नहीं देना। कोई कहे कि मान लीजिए मैं भगवान का बहुत भक्ति करते हैं, बस मैं क्या बताऊं, हमारा तो समझ लीजिए मन में हमेशा राम नाम चलता रहता है, बस एक समय नहीं चलता है जब हम चिकन तंदूरी खाते हैं, तो अगर कोई चिकन तंदूरी खा रहा है और साथ में राम नाम ले रहा है तो ये चीज तो कपट हुआ। इसीलिए कह रहे हैं इंद्रियों का संयम करना, केवल वो चीजें जैसे क्या क्या खा सकते हैं हम, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे उपरितम अश्नामी प्रयतात्मा, कि हे भगवान ये चीजें, हे भक्तों ये चीजें आप जैसे सब्जियां दूध तोय जल और दालें फल इत्यादि, ये सब उस पौधे के फल हैं, तो ये सब आप मुझे अर्पित करके ग्रहण कर सकते हैं, भगवान ने बताया। इसके साथ साथ मनुसंहिता में भी इसके बारे में वर्णन आता है कि क्या खाद्य पदार्थ है, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन आता है कि खाद्य क्या है अखाद्य क्या है। फिर पांच पांचवी भक्ति क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। सारे वेद शास्त्र ये कहते हैं कि मंत्र जाप करना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति को कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि एक माला तो ध्यान पूर्वक करे, कम से कम एक माला तो ध्यान पूर्वक करे। के साथ हुआ कबीरदास जी के साथ कि कबीरदास जी छोटी कास्ट के थे, मतलब पता नहीं था कि कौन से थे, क्यों तो किसी का स्पर्श हो गया या ऐसा कुछ कथा आती है जिसके वजह से कबीरदास जी को किसी ने बहुत पीट दिया, बहुत मार दिया, तो कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो वो आकर के कबीरदास जी को बोलने लगा कि अरे उनके परिवार वाले कि तुमने ही मारा है, तुमने ही मारा है।
उन्होंने कहा भाई देखो मैंने नहीं मारा है, आपके परिवार वालों ने मुझे पीट दिया, क्योंकि आपका यार नाराज हो गया था, तो फिर जब मेरा यार नाराज हुआ तो उसने पीट दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये फिर उसके बाद चौथी भक्ति, मम गुण गण करई कपट तजिकान। कपट छोड़ करके, कपट छोड़ने का मतलब क्या है ना, अब जैसे दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं तो जितना जितना जिसकी कपट, यही है जिसका जो अधिकार है उसको उतना उचित नहीं देना, ये कपट है। कि कहां पर इसका परिभाषा कहां पर आती है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किं, ये ईशोपनिषद का श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन चक्षेन भुंजिता मा गदह कस्वस्य धनम। जो जिसका अधिकार है अगर आप उसको उतना कुछ तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान उसका विधान रखेंगे कि उसको वो चीज मिल जाए। तो किस तरह से ये है, तो आ, आ, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान की मम गुण गण करई कपट कपट छोड़कर मेरे गुण का गान करना चाहिए। कपट छोड़कर मेरे गुण का गान करना चाहिए। जब कोई कपट छोड़कर मेरे गुण का गान करता है तो फिर उसको क्या होता है, फिर कपट छोड़ने का मतलब क्या है, जिसके जो यथा यथा होता है उतना नहीं देना। मतलब दुकान पे अगर आप जाते तो गुरु की सेवा मान लो करनी है, या फिर भक्ति कर रहे हैं, मेरा गुण गा रहे हैं, लेकिन उसमें कपट करने का मतलब क्या है, कपट करने का मतलब है कि भगवान के गुण का गान कर रहे हैं लेकिन हम गुण गान तो कर रहे हैं, लेकिन हम सच जो है वो सत्य भगवान, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने जो बताया, लोग बताते नहीं, लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान का गुण का गान करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बताते हैं कि कोई निराकार पर है, परवरदिगारे आलम है, वो जो है बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहे कि कोई परवरदिगार है वो बोल रहे हैं, तो ये फेक आउट करते हैं। तो ये चीज जो है ये क्या है, इसको अपने मतलब कपट रहित गुणगान करना, कपट रहित गुणगान करने का मतलब जैसा भगवत इच्छा जैसी थी, जैसा भगवान अपने को प्रकट करना चाह रहे थे वैसा गुणगान करना। दूसरा चीज, गुणगान अगर आप कर रहे हैं तो उसका फिर कोई मूल्य, आप अगर ब्राह्मण हैं, ये कार्य ब्राह्मण का है ना, तो आप केवल दान पर आश्रित रहिए और फिर उसका कोई मूल्य निर्धारित मत कीजिए। ये नहीं कि 10 लाख रुपए लेंगे तब आएंगे कथा करने के लिए, बता रहे हैं कि भाई तबला वाले को देना है 10,000 रुपए, 50 इनको देना है 10,000 रुपए, इस तरह से करके अपना खर्चा निकाल ही लिया है ना। नहीं, अगर आपका ऐसा कुछ है तो कपट नहीं करने का मतलब ये है कि आप सच सच बता दीजिए, कह दीजिए कि भाई देखिए ये है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस तरह से ये है। तो ये इसमें बड़ा मतलब ईमानदार रहना पड़ता है हृदय से आपको। अब गुरु की सेवा कर रहे हैं तो उसमें कपट किस प्रकार से हो सकता है। अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध गुरुदेव है, तो वो यही चाहेगा कि कृष्ण अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रसन्न होता है। लेकिन अगर आप गुरु देखते हैं कि कृष्ण, अगर आपको लगता है गुरु जी हैं लेकिन वो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रसन्न नहीं होते, है ना। नहीं, या फिर उनको भोग में बहुत रुचि,
भोग में बौद्ध रुचि का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि गुरु जी को बहुत रुचि है कि भाई सब लोग आए हमारे लिए कुछ नया नया भेंट लेके आए, बस गिफ्ट हमें चाहिए, चाहे जो भी हो जाए गिफ्ट लो, उसके लिए पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गिफ्ट कि कैसे हमें गिफ्ट मिले, है ना। तो ये जो है तो इससे पता चलता है कि गुरु जी शुद्ध गुरु जी नहीं, गुरु जी गिफ्ट गुरु जी, इनको मेन प्रेम गिफ्ट से है, कृष्ण से नहीं, क्योंकि वो कृष्ण कथा करके गिफ्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिसको करके जो प्राप्त करना चाहते हैं वही उनका लक्ष्य है ना। नहीं, और इसे पता कैसे चलता है? जब जो गिफ्ट देता है उसको वो फेवर करते हैं, उसको बोलते हैं भाई आइए आप हमारे कमरे में रुकिए, आइए हमारे साथ ही आप आइए, आइए आपको स्पेशल किया जाएगा। लेकिन जो गिफ्ट नहीं देता उसको बोलते हैं चलो निकलो यहाँ से, ठीक है करेंगे, आपका भी फोन उठाएंगे कभी ना कभी, तो आपका भी फोटो फोन उठाएंगे सृष्टि में, कभी ना कभी एक कल्प में एक बार आपका भी फोन उठाएंगे। तो इस तरह के जो कपट, अगर गुरु जी ही ऐसे हैं तो आप कभी उनको संतुष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोभ ऐसी चीज है जो फिर लोभ कभी संतुष्टि नहीं होता इस संसार में। युधिष्ठिर महाराज इसको समझाते हैं कि लोभ ऐसा रोग है, इस रोग की कोई दवा नहीं बनी, सारे रोगों की दवा है। युधिष्ठिर महाराज यक्ष प्रश्न में महाभारत में कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग ये रोग कौन सा है? लोभ। लोभ मतलब हमें दो ज्यादा, बस भूख लगी हुई, ये आदमी एकदम भूखा है, इसको जितना दे दो इसको कम लगता है। जो आप एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें डायलॉग था ये कितना भी खा ले भूखा ही रहता है, अजीब जानवर है। तो ये लोभ जो है ये ऐसा ही हो जाता है, आदमी जितना आप लेते रहेंगे, इसीलिए जितना मेहनत से प्राप्त हो जाए कुछ पोर्शन दान इत्यादि कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर ये लोभ जन्म लेगा, और लोभ जन्म लेने पर फिर हम देखते फिर कर दिया है ना, एज इट इज बोल दिया, मन ही समझ लिया तो बहुत कोई पालन करना। गुरु जी ने बोल दिया मतलब वो ब्रह्मा जी का लेख है, मुझे ये मालूम है, ये मेरे मेरे अगेंस्ट नहीं है, ये मेरा भला ही चाहते हैं, इसलिए इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा लगेगा तब। तो इस तरह से कपट का परिभाषा, मैं एक दिन यश अग्रवाल प्रभु पूछ रहे थे, तो मैं मुझे ये वाला श्लोक ही नहीं, वो ध्यान नहीं पड़ रहा था। तो ये है, ये जो जिसका अधिकार है उसको उतना देना आवश्यक है ना, जिस समय पे जो है जिस हिसाब से है तो ये दे देना। फिर प्रथम भक्ति संतों का संग करना, तो संतों का संग करना मैंने आपको बताया, दोष दर्शन जो रहित है उनका संग करना, और संत का परिभाषा, जो अच्छे संत की परिभाषा कहाँ से मिलती है आपको? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, इस भजन में वैष्णव की परिभाषा बताई जाती है, एक संत की परिभाषा बताई जाती है। तो इसको आप श्रवण कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद संतन कर संगा दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंग, तो रति कैसे आएगी कथा प्रसंग में? हम उसको बार बार अगर हम श्रवण करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे तो रति आ जाएगी, है ना।
ठीक है, तो ये है नवधा भक्ति। यानी हो मुझे और आगे आपको बताना था, तो इसके आगे की चर्चा है। तो इसके एक मिनट वेट। हरे कृष्ण। तो आप मिनट खत्म करके आते हैं। हाँ, रिपोर्ट वाली। फिर अच्छा, इसके आगे जो कथा जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि भगवान राम को विरह बार बार हो रहा है सीता मैया से, और चलते जा रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं कि हिरन हिरनी के साथ जा रहा है, हाथी हथिनी के साथ जा रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि ये लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर उसके बाद सब शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी को साथ में रखा करो मूर्ख धीराज, ऐसा राम जी सोच रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान राम ये कहते हैं, राखी नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र निपति बस नाही। तो कह रहे हैं कि चाहे कैसा भी हो, लेकिन शास्त्र और राजा और स्त्री ये वश में, अगर युवती स्त्री है तो वश में नहीं रहती, इसलिए इसको अपने पास ही रखना चाहिए। शास्त्रों का भी हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए, नहीं तो ये आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं कि किस तरह से कामदेव इत्यादि भी आए हैं, लेकिन वो लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि संसार में तीन दुष्ट हैं, काम क्रोध लोभ, और पल भर में ये मुनियों के भी मन को शुद्ध कर देते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कौन किसको बल देता है, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। लोभ इच्छा और दंभ का बल है, काम को स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचनों का बल है, श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फिर शंकर जी ये बोल रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। फिर वहां पर ये हरि भजन ही एकमात्र सत्य है, ऐसा कह करके सी पार्वती देवी को शंकर जी बोलते हैं। और उसके बाद फिर भगवान एक सरोवर के पास पहुंचे, और उस सरोवर के पास वहां पर भगवान ने स्नान किया, और फिर भगवान को इस तरह से देख करके नारद मुनि जो थे वो आए, और उन्होंने सोचा कि ये वाला सीन हमको भी देखना चाहिए। तो ये सोच करके वो उन्होंने वो आए, और उन्होंने देखा कि भगवान किस तरह से मेरे श्राप को अंगीकार करके बहुत दुखी है, मेरे श्राप को अंगीकार करके वो बहुत दुखी है और बहुत दुख झेल रहे हैं।
जब नारद जी वहां पर आए तो लक्ष्मण जी ने उनके चरण धोए और फिर बहुत कुशल क्षेम पूछा। राम जी विरह में थे, तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे सच में धृष्टता कर दिया, आपको श्राप दे दिया। लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि ये सब बोलने से पहले मैं पहले ये बोलता हूं कि भगवान आप मुझे एक वरदान दीजिए, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो। उन्होंने कहा कि ये वर मांगता हूं कि आपका ये जो नाम लेने से इस माया रूपी प्रपंच से कोई भी व्यक्ति निकल जाए, ये और उसके सारे पाप जो हैं वो धुल जाएं, सारे पाप धुल जाएं आपका नाम लेने से, ऐसा आप वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि एवं अस्तु, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद नॉर्मल बातें जब होने लगी तो नारद मुनि ने कहा कि आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया था, मैं भी विवाह करना चाहता था, लेकिन मुझे विवाह करने क्यों नहीं दिया? आप तो सबके हितैषी हैं, तो उस समय आप, मैंने तो श्राप दे दिया आपको, लेकिन आपने अगर मेरे साथ ऐसा किया होगा तो जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो आप मुझे बताइए कि मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? तो फिर भगवान राम ने कहा कि देखो, जैसे कोई माता किसी अबोध बालक की रक्षा करती है, वैसे ही मैं मेरे भक्त की रक्षा करता हूं। जब वो बड़ा हो जाता है, बड़े बेटे के समान हो जाता है, तब वो अपना दिमाग लगाने लगता है, उस समय माता इतना रक्षा नहीं करती। लेकिन जब वो छोटा होता है तो माता उसके हर चीज की रक्षा करती है। तो मैं अपने भक्त, मेरा जो सेवक होता है उसको केवल मेरा ही बल होता है, उसको कोई अपना बल नहीं होता। तो इसीलिए मैं भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये देखा कि मोह जो है ये, इसके लिए स्त्री एक वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम सब, अगर कोई भक्त स्त्री ना हो तो फिर वो सब खत्म हो जाता है। तो 1 मिनट। हरे कृष्ण। तो फिर इस तरह से, क्योंकि इसमें आप फंस जाते, इसलिए नारद मुनि को
भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बचा लेना चाहता था इस मोह से, इसलिए मैंने तुम्हें विवाह करने नहीं दिया। तो ये सब यहाँ पर ऐसे है। मैं इसके आगे फिर अच्छा थोड़ा सा और है तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो इसलिए वो लोग जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरा नाम गाते हुए अपना जीवन जीते हैं, इसलिए तुम सदा सत्संग करो और भजन करो, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज से बचाना चाहता था। इस तरह से अरण्य कांड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और फिर किष्किंधा कांड शुरू होता है, तो इसको हम कल शुरू करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको अभी मैं रवि ने वो नहीं ले पाऊंगा, अभी क्वेश्चन आंसर अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बहुत टाइम हो जाएगा और मुझे अभी घर पे जो डॉक्टर ने बोला है वो सब बताना है। तो मैं अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।